तो दोस्तों यदि आप BA LLB के स्टूडेंट हैं या फिर LLM के स्टूडेंट हैं तो भाई ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। तो भाई पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आप नए हो और आप LLB की हर अपडेट को पाना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए पूरा अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई क्या है पूरा अपडेट। तो दोस्तों ये रहा पूरा अपडेट, मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 15/10/2020 यानी दोस्तों आज का ही पूरा अपडेट है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए BA LLB द्वितीय चतुर्थ अष्टम अष्टम एवं दसम सेमेस्टर MLLM द्वितीय चतुर्थ तथा LMM द्वितीय CBSE UTD LLB द्वितीय चतुर्थ एवं सप्तम सेमेस्टर नियमित एटेगरी या पूर्व छात्र के ऐसे परीक्षार्थी जो सितंबर 2020 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तथा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि यहाँ पे बता दिया है कि भाई क्लियर कट कर दिया है कि भाई यदि आपने सितंबर 2020 में एग्जाम नहीं दिया है या फिर सम्मिलित नहीं हो पाए या फिर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं डाला है तो भाई इसकी जो डेट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र 17 जो कि दिसंबर 2020 की दिनांक 10/9/2020 को आयोजित ओपन बुक पद्धति परीक्षा एवं असाइनमेंट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं अथवा अपना परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए यथा BA LLB द्वितीय चतुर्थ षष्ठम अष्टम एवं दसम सेमेस्टर एवं LLM द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा LLM द्वितीय CBSE यानी कि UTD LLB द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर नियमित या फिर एटीकेटी या पूर्व छात्र उक्त संकायों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने की तिथि यहाँ पे निम्नानुसार निर्धारित की है। यहाँ पे देखिए सामान्य शुल्क के साथ 19/10/2020 से 28/10/2020 तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप 28/10/2020 के बाद भी फिलअप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको 300 रुपए की लेट फी देना पड़ेगा। फिर आप ये जो 5/11/2020 तक फिलअप कर सकते हो। दोस्तों आप एग्जाम के 7 दिन पहले तक फिलअप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जो आपको 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा और आप ये जो फीस को फिलअप कर सकते हो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक। दोस्तों फीस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यदि आप नियमित हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 1300 रुपए आपकी फीस है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा अंतिम वर्ष की यहाँ पे 1330 है। यदि आप विदेशी छात्र हैं तो यहाँ पे 2720 रुपए फीस आपकी होने वाली है। एक विषय हेतु परीक्षा शुल्क 760 रुपए है और दो विषय हेतु परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो 925 रुपए होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे नोट दिया गया है उक्त अंकित संकाय में से किसी छात्र छात्राओं का निर्धारित समय अवधि में लिंक ओपन नहीं होता है तो सीधे परीक्षा नियंत्रक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से संपर्क करें। यानी दोस्तों ये आप लोग के लिए नहीं है, आपको तो सिंपली कॉलेज में ही जाना होगा और वहीं पे अपनी फीस पे करना होगा। कॉलेज वाले RGPV को BU को सेंड कर देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।